क्विक रेशियो, इसके तो नाम से पता चल रहा है कि किसी को बहुत ज्यादा जल्दी है। सुनो, जब बात इन्हीं की जाती है, पर अगर इनका हम ये वाला एंगल चेक करें, अभी हम इनका कौन सा एंगल चेक कर रहे थे, ये वो लोग हैं जिनको हमसे पैसे विद इन वन ईयर लेने, अगर मैं कहूं इनको क्विकली पैसे लेने, तो अगर इनको पैसे आज ही लेने, इमीडिएटली लेने, विद इन वन मंथ लेने, तो फिर आप करंट रेशियो चेक नहीं करते, फिर आप क्विक रेशियो चेक करते हैं। क्विक रेशियो का दूसरा नाम, अच्छा पीछे कौन सा रेशियो पढ़ा था, करंट रेशियो का दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल रेशियो, ठीक है। ऐसा ही एक और नाम आएगा कुछ टाइम बाद, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, मिक्स मत कर देना, वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। आओ जरा, तो फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं क्विक रेशियो, जिसका दूसरा नाम है लिक्विड रेशियो, और तीसरा नाम है एसिड टेस्ट। ये वाले दोनों सबको याद रहते हैं, ये वाला सब भूल जाते हैं, हट है तो ये नहीं होते। सुनो, अब इसके अंदर हमें क्या क्या जानना है, क्विक एसिड और, तो ये तो सेम ही है इन्हीं के लिए, अब हमारे लिए क्या चेंज हो गया है, क्विक एसिड। अब क्विक एसिड कैसे निकलती है इस पे सुनो जरा। अच्छा, करंट लायबिलिटी तो डन है, करंट एसेट बताओ जरा, यही बताई थी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री और अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड, वही तो थे छह हेड थे जो हमारे, तो वो छह के छह हेड मैंने लिखे हुए हैं। अच्छा, ये छह के छह हेड मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके बनाते हैं करंट एसेट, पर अपने को क्या चाहिए, अब सुनना जरा, इनमें से जिस जिस का अगला स्टेप, अगला स्टेप कैश कन्वर्जन है। सुनो, जैसे मैं कह रहा हूं मेरे पास गुड्स हैं, तो मेरा अगला स्टेप क्या होगा गुड्स का, अगर मेरे पास ऑलरेडी गुड्स हैं तो मेरा अगला स्टेप होगा उसको बेचना, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास डेटर्स हैं, तो अगला स्टेप डेटर से पैसे लेना ही तो होता है, हाँ या ना, तो अगला स्टेप पे ध्यान देना, नेक्स्ट स्टेप बताओ, कैश, ये तो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है, तो इसे आप इसे इंक्लूड करेंगे किसके अंदर, क्विक एसेट्स के अंदर। डेटर्स का अगला स्टेप क्या होता है, पैसे मिलना, तो ये भी इंक्लूड होगा। स्टॉक का अगला स्टेप बिकना है, पैसे मिलना तो नहीं, हाँ या ना, तो इसे आप एक्सक्लूड कर दें, ठीक है। अक्रूड इनकम, वो इनकम जो आपने कमा ली है, सिर्फ मिलनी बाकी है, तो ये भी इंक्लूड होगी, क्योंकि इसका भी अगला स्टेप पैसे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसमें पैसे नहीं मिलते, इसमें पैसे मिलते ही नहीं है, तो ये क्या है, इंक्लूड नहीं होगी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने खरीद रखी है, एक क्लिक करते ही बिक जाएगी, ऑनलाइन बिक जाती है, मार्केटेबल कहते ही उसे हैं, जिसे मैं, जैसे कि मैं आपको सब बताऊं, आज सुबह ही मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, तो मेरा बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट पड़ा था 1.5 लाख रुपए का, मैंने अपना HDFC बैंक ऐप ओपन किया, मैंने क्लिक किया, फट से FD ब्रेक होके पैसा मेरे अकाउंट में आ गया, विद इन अ मिनट, लेस देन अ मिनट। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो आपको नहीं लग रहा दीज आर काइंड ऑफ कैश, ऐसी जो इन्वेस्टमेंट होती है दीज आर नॉट लेस देन कैश, ठीक है, तो इसे भी आप इंक्लूड करेंगे। और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये बोलो ना जो आपने दे रखे हैं, वापस मिलने बाकी हैं, तो इनका भी तो अगला स्टेप कैश कन्वर्जन ही है, ठीक है। तो इनमें से क्या क्या मिलकर, जरा इसको देखना क्या ये ठीक है, अगर मैं करंट एसेट में से क्या क्या हटा दूं, इन्वेंट्री और, तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्विक एसेट्स मिल जाएंगी, आया ना। आओ जरा, इसका आंसर भी किस फॉर्म में रहेगा, प्योर रेशियो। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले करंट रेशियो बता दो, करंट रेशियो के लिए आपको यहां पर टोटल तीन चीजें चाहिए, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और, बस इन तीनों के बेस पर आप दोनों रेशियो निकाल सकते हैं। तो पहले करंट एसेट्स बता दो, करंट एसेट्स कौन सा लूज में थे, 1,30,000, तो ये भी करंट एसेट्स में आ गया। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म, एक्सपेंसेस पेड, प्रीपेड एडवांसेस,
आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्रूड इनकम शॉर्ट टर्म प्रोविजन. दिस इज द करंट लायबिलिटी. दिस इज द करंट लायबिलिटी. दिस इज द करंट लायबिलिटी. तो आपको नहीं लग रहा कि ये दो चीजें तो मिल गई, खाली क्विक एसेट्स और जाननी है. तो जो आपको करंट एसेट मिली थी उसी करंट एसेट में से क्या क्या हटा दूं? इसे हटा दो और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. और तो कुछ नहीं है. लेट मी चेक. नहीं है. हो जाएगा. धन्यवाद. उसमें ना एक साल का एंगल रहता है करंट रेशियो में, तो वहां पर बहुत लंबा स्ट्रेच है, तो उसके बेनिफिट्स इतने टाइम पीरियड वाले, मतलब कम टाइम पीरियड वाले होते हैं, उसके बेनिफिट्स मिल जाते हैं. वहां खाली कैश का एंगल नहीं देखा जाता है. आई एग्री विद यू कि जो प्रीपेड्स होते हैं वो करंट एसेट्स करंट रेशियो के अंदर भी माइनस होने चाहिए, बट वहां पर मैंने बोला इसके अंदर हम लोग क्या चेक करें विद इन अ मंथ, महीने दो महीने में जिनकी सेटलमेंट होनी है. तो ऐसे लोगों के केस में हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है वो कैश का रहता है. पर अगर मैं करंट रेशियो में जाऊं तो करंट रेशियो के केस में मुझे मिलता है वन ईयर का स्ट्रेच. तो वन ईयर के स्ट्रेच में मुझे उसका बेनिफिट ड्राइव हो जाता है. और अगर आपको बेनिफिट ड्राइव हो रहा है तो आपको पैसे देने नहीं पड़ेंगे. नहीं समझे आप? तो आपका कैश का फ्लो बचेगा, आउटफ्लो बचेगा. तो इट इज, और कैश का बाहर जाने से रुकना भी तो कैश के आने के बराबर ही. नहीं समझ आई मेरी बात? सो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर प्रीपेड इंक्लूड किए जाते हैं, यहां प्रीपेड एक्सक्लूड किए जाते हैं. ठीक है.